आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास 10 खबरों का। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए आज 5 जिला मुख्यालयों पर 72,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उत्तेजना लाने वाले स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के आगामी भारत दौरे के साथ बढ़ोतरी होने जा रही है। राष्ट्रपति सांचेज अपनी पत्नी बेगोना गोमेज के साथ आज आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को समन्वय समिति की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 115वीं कड़ी होगी। आज सीवान में धूमधाम से सरसैयद डे मनाया जाएगा। सरसैयद डे के मौके पर एक शाम सरसैयद के नाम से सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली स्थित उमैन पैलेस में सेमिनार का आयोजन आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा, जहां मुख्य रूप से उनके बारे में उनकी जीवनी के ऊपर चर्चा की जाएगी। आज धार्मिक नगरी प्रयागराज में 8वां विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंत शिरकत करेंगे। नगरी गट्टा सिल्ली में नवयुवक परिषद एवं समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से ग्राम गट्टा सिल्ली में आज से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष सूरज कुमार प्रजापति ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 15,001 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 11,001 रुपये, तृतीय पुरस्कार 7,001 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 5,001 रुपये रखा गया है। वहीं कबड्डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एंट्री फीस 201 रुपये रखी गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिमी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वहीं आज गृहमंत्री भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूरोपीय देशों में समय बदलने की जो प्रक्रिया 2001 में शुरू हुई वो अब तक जारी है। यूरोपीय देशों में हर साल गर्मियों और सर्दियों में घड़ी का समय बदल दिया जाता है, तो वहीं आज से इटली में घड़ियां 1 घंटा पीछे हो जाएंगी। वहीं अगर इटली की घड़ी में 3 बजेंगे तो 2 बजे माने जाएंगे। ये समय मार्च के आखिरी शनिवार की रात और रविवार की सुबह तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तरी पहाड़ों पर पहुंचेगा, जिससे दिल्ली समेत अन्य मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि रुकेगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1995 में आज ही के दिन यूक्रेन में कीव स्थित चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण पूर्णतः बंद कर दिया गया था। साल 1997 में आज ही के दिन एडिनबर्ग में राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। साल 2003 में आज ही के दिन चीन में भूकंप से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। बगदाद में बम धमाकों से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साल 2004 में आज ही के दिन चीन ने विशालकाय क्रेन का निर्माण किया था। साल 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने अखबार उद्योग के पत्रकारों और गैर पत्रकारों को अंतरिम राहत की अधिसूचना जारी की थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके साथ।